हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का पूनम गांधी के नोट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, सीरीज़ लेके चल रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको पहले देख लीजिए, ठीक है। आज हम अपना चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होंगे, जैसे चैप्टर फर्स्ट के आप चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको मिले, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं वो आपके लिए अलग बना दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देख लेते हैं क्या होता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इन इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग और एग्जिस्टिंग वन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, या ठीक है, या तो जो उसका बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्ट है पहले से, उसको एक्सपेंड मतलब उसको बढ़ाने की सोच रहा है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी डिसीजन हो जाता है कि वो पहले देखे कि वो किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएगा या खोलेगा, ठीक है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज द राइट वन इंक्लूड। बहुत तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये 5 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो उसे सबसे पहले ये सोचना होता है कि वो किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करेगा इन 5 में से, ठीक है। इन 5 को हम अपने अलग अलग वीडियोस में एक एक करके उसके फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट सब देखेंगे और वो क्या होता है, ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा पेटीएम नंबर और मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, ठीक है। आप मेरे पेटीएम पे 15 रुपये पर चैप्टर के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पे दे सकते हैं, ठीक है। आप जिस जीमेल से मुझे स्क्रीनशॉट देंगे उसी पे आपको विद इन 1 आवर्स नोट मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।